وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يكتب كتاب عليه जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत हासिल करेंद महमद मद महमदकुल्ल नजरत मतलब मर्रत साम नाजीन इकराम अल्लाम वरम वबरकाम कराम सूर्य नसा आयत नंबर एक सौ सताईस दर्श नंबर चार सौ सात आज का मौजूद दीन दरअसल क्या है इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्ता सबक का एदा होगा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत निम्ला और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब खुदा ही का है और खुदा हर चीज पर इहाता किए हुए है सूरे निसा, आयत नंबर एक सौ लब्ज़ी तर्जुमा वयस्तफु न नसाए पूछते हैं आपसे औरतों के मामले में खुल्लु युफ्ती फिहना आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बारे में बताता है फितवा देता है या नहीं बताता है वमायतुम और इसके अलावा वो अहकाम भी तुम्हें याद दिलाता है जो इससे पहले तुम्हें सुनाए गए किताब में व मा अलैकुम फिल किताब और वो अहकाम जो यतीम औरतों के बारे में तुम्हें सुनाए गए अल्ला तला तो तू नाउन्ना माँ और ये वो यतीम औरतें हैं जिनको तुम उनका हक़ नहीं दे रहे और व तरगबूना और तुम ख्वाहिश रखते हो तन की हुन्ना कि तुम उनसे निकाह करो या इसका दूसरा माना भी ये बनता है व तरगबू नन की हुन्ना और तुम ख़ुद भी उनसे निकाह नहीं करना चाहते और उनको उनका माल भी हवाले नहीं करना चाहते बल बलमस्ती न मिनलबिल्दान और अल्लाह ताला यतीम न, आ, आ, बच्चों के बारे में तुम्हें जो अहकाम हैं वो भी तुम्हें याद दिलाता है व अन तकमिल बिलकृस्त और यतीमों के साथ तुम्हें हिदायत करता है कि तुम्हें तुम यतीमों के साथ इंसाफ़ से क़ायम रहो व मातफ आलू मिन खैर और जो भलाई भी तुम करोगे व इन अल्लाह का नब ही आलिमा बेशक अल्लाह ताली उसे जानता है अल्लाह अकबर सामिण्य करम माशरती अहकाम हैं और यानी आप के अखलाक कैसे होने चाहिए सबसे पहले मैं एक बात को समझने की कोशिश करें आप और जो हमारे मुवजा जिन यानी जो आज का हमारा समझ है वो समझ और जो दीन की बात है वो अलग है दिन को असल में हमने महदूद कर दिया है चंद मखसूस इबादात तक मर्दाड़ी रख ले और टखनों से ऊपर जो है वो शलवार रखे या चंद एक काम करे रोज़ा वो नमाज रोज़ा जक़ात हज बस इसके अलावा बाकी ज़िंदगी आप अपनी मर्जी से गुजारें तो ये दीन नहीं है सामने कहा दीन महदूद नहीं है दीन दरअसल नाम है अख्लाक का दीन अखलाक का नाम है अखलाक का यानी आप अखलाक का माना भी हम महदूद कर लेते हैं कि आप बोल चाल में एहतियात से काम लें या थोड़ा सा हम अखलाक दिखाते हैं ना यानी यस सर नो सर कहते रहते हैं ये अखलाक इसको अखलाक एटिकेट्स जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रख रक रखाव आपका नहीं ऐसी बात नहीं है देखें अख्लाक का मतलब क्या है कि तमाम ज़िंदगी आप कैसे गुजारेंगे ये अखलाक ये आपको अल्लाह ताला ने बताया है ये तरीक़ा कि आप घर में कैसे रहें घर में रहने की नीयत कैसे हो घर वालों के साथ मामलात कैसे हों आपके और घर के बाहर अब घर में तो बहुत से लोग आ जाते हैं वालदे आ जाते हैं सबसे पहले उसके बाद मियाँ बीवी के आपस में ताल्लत हैं उसमें फिर आ, ये आपके घर में आपका भाई है वो साथ रह रहे है। वो अगर वफात पा गया उसकी लड़कियां हैं या बच्चे हैं वो फिर तमाम मामला इसी घर के यानी घर का जो है ना ये दायरा कार वसी है घर में फिर रिश्तेदार भी हैं आपके चाचा मामू, भतीजा ये वगैरह अच्छा फिर अखलाक ये भी है कि आप महल्ले वालों के साथ कैसा सलूक करते हैं फिर अखलाक ये भी है कि आप किन लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं किन को नहीं बनाते ये भी अखलाक से ताल्लुक़ रखता है अखलाक मामलात से मामलात को भी मामलात का भी अहाता करते हैं कि आप रिस्क कमाने की नीयत क्या है आपकी रिस्क कमाने का ज़रिया क्या है किस तरीक़े से आप रिस्क कमाते हैं फिर खर्च कैसे करते हैं कहाँ ख़र्च करते हैं कहाँ खर्च नहीं करते हैं? ये भी अल्लाह ताली आपको यानी इस बात की हमें पूरी तरह वजाहत फरमाता है फिर आपका मकसद हयात क्या होना चाहिए आपका एक अमूमी रवैया जो है वो क्या होना चाहिए ये सारी बातें आपको अल्लाह ताला बताता है कुरान में हम वो कहते हैं ना कुरान एक मुकम्मल जाबतः हयात है ये बड़ी प्यारी बात है ज़ाबिता ज़िंदगी गुजारने का तरीका ज़ाबिता अब ये जो मामला हैं ख़ास मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि आप पहले तो दीन को समझें दीन दरअसल अखलाक का नाम है और ये अखलाक वो अखलाक़ हैं जिसकी बिना पर आप अपनी माराज को हासिल कर सकते हैं इसको आप कुरान भी कह सकते हैं इसको आप अखलाक मोहम्मदी भी कह सकते हैं और हैं क़ुरान की अमली तफसीर तो महमदा वसलम ने पेश की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल़ क़ुरान था काना खुल्क हल क़ुरान तो देखें अखलाक को आपने महदूद नहीं करना एक वसी पैमाने पे और ये अखलाक मैं इसके आपको वो हिकमत बता रहाँ कि ये अखलाक कौन से अखलाक हैं ये वो अखलाक हैं क़ुरान के अगर ये आप अपना लेते हैं अपने ज़िंदगी में इसको पूरा पूरा ले, ले लेते हैं कबूल कर लेते हैं हम तो देखें आज का माशरा तो इन अखलाक को कबूल ही नहीं करता ये मियाँ बीवी के जो तल्लुक़ हैं आपको मैं कहता रहता हूँ दोनों एक दूसरे के साथ वो सलूक नहीं करते जो कि करना चाहिए जो कि क़ुरान क्या तकाजा है व आशिरुन न बिल्माफ मियाँ बीवी को अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इनके साथ अच्छे तरीके से रहो और हमारी तो ज़िंदगी की बुनियाद कुरान नहीं बल्कि नफसानी ख्वाहिशात हैं ये बात मुझे कहने दें हम तो अपनी मर्जी जी रहे हैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात और नफ्स के ताबे हो के हम जिंदगी गुजार रहे हैं बल्कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप अल्लाह के हुम के सामने सर झुका दें अभी हमने पढ़ा है वमन आसन दीनम ममन असलम वजह ला वहुवा मुहसिन। व तबाह मिलता इब्राहिम हनीफ़ा सबसे अच्छा दीन उसका है जो अपना सर अल्लाह के सामने झुका दे के अहकाम के सामने झुका दें तो अखलाक का मैं 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 आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि अखलाक को आप महदूद न करें आपकी ज़िंदगी हजूर सल फरमाते हैं कि बस्तुल उतम मकार मिल अखलाक मैं इसलिए भिजवाया गया हूँ कि अखलाक की तकमील करो व इन नकल अला खलुक़न आजीम आप बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं खलुक़न आज़ीम बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं आप तो देखें अखलाक एक तो कुरान है या अखलाक़ मोहम्मदी है अगर वो अखलाक मोहम्मदी आप नहीं अपनाते तो इसका मतलब यह है कि आप ज़िंदगी के मकसद से इहराफ़ कर रहे हैं आप वो मकसद हासिल करना ही नहीं चाहते अगरचे ज़बान से आप इसकी तकरार करते हैं लेकिन हकीक़त में आप अल्लाह की मुलाकात के मतम नहीं हैं ये बात मैं खुले तौर पे आपको कह रहा हूँ और ये यानी इसके असरा जो हैं ये दूर तक जाते हैं अभी अल्लाह ने तो देखें जगह बजह खोल के बयान किए हैं अल्लाह अकबर और अभी आएगा इंशाल्लाह आने वाले हैं यानी जो मैं कह रहा हूँ ना वो सारी बातें जो हैं वो यहाँ मैं कैब भी देता हूँ आयत नंबर एक सौ छत्तीस में है कि या यूहल नाम यानी ये हम एक नंबर आयत पढ़ रहे हैं ना एक नंबर आयत है कि ए ईमान वालो सही ईमान ले आओ अल्लाह पे और उसके रसूल पे और उस किताब पे जो उसने नाजिल की है अपने रसूल पे और जो अगली किताबें हैं उन पे भी यकीन कर लो और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो फिर वाज गुमरा से गुमराह हो जाएगी फ़क्त दुल्लम बा, बाईद तो बहरहाल ये मज़मून तो आने वाला है लेकिन मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि देखिए अखलाक अखलाक क़ुरान के अखलाक को अपनाना चाहिए और यानी अखलाक जहाँ तक आ, अखलाक की बात है तखलकूब अख्लाकल्ला के भी अल्फाज आए हैं हदीस मुबारक में कि तुम अल्लाह ताला के अखलाक अपना लो अब अल्लाह ताला तो बे है तो तुम भी बे दिखाओ अल्लाह ताला रहीम है करीम है शफीक है मेहरबान है तो तुम भी मेहरबानी दिखाओ अपने मामलात में तो अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है अल अलादल इंसाफ फरमाने वाला है तुम भी इंसाफ़ करो और ये मजामी तो सारे इंसाफ यानी ख़ास तौर तो पर ये आयत जो हम पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें इंसाफ का सबक दे रही है यहाँ आपने पढ़ा ना कि यस तफ तू न कफ़िनसाय खुल्लुफ़्तीफ़िनी या ताम ला तु तू नन्नामा कुत बलहन्ना कि तुम उनको यतीम औरतों को उनका हक़ देने के लिए तैयार नहीं हो तो ये तो बेइंसाफी हो गई ये बेसाफ़ी हो गई तो आप इंसाफ से काम लो अल्लाह तुम्हें देख रहा है जो भी तुम अच्छा अमल करोगे अल्लाह इसे पोशीदा नहीं होगा यानी तुम्हें उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा तो बहरहाल ये मैंने थोड़ी सी आपको मुकदमा इन आयात का बयान कर दिया कि देखें अखलाक असल चीज़ है जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपको सुनाई कि बसतल उतम मकार मल अख्लाक मैं आया इसलिए हूँ कि अखलाक की तकमील करूँ तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए इसलिए हैं कि हमारे अखलाक को बुलंद कर दें और हमारे जो बुरे अखलाक हैं उसको अच्छे अखलाक में तब्दील कर दें यह दीन का तकाजा है कि हम अपने अखलाक खुल्क को बदल लें अपनी तबीयत को बदल लें और अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाते हैं और ज़िंदगी अल्लाह ही की मर्ज़ी से गुजारें बहरहाल ख़ुलासा कलाम यह है कि अख़लाक और दीन, दीन इस्लाम ये मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं अगर इसकी दीन इस्लाम की अगर यानी एक अल्फाज में तशरी की जाए एक लफ्ज़ में तो वो हुसन अख्लाक है दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है अच्छे अखलाक बताता है कि अच्छे अखलाक कैसे यानी तुम्हारे अखलाक कैसे होने चाहिए हाँ। माँ आता कुमर रसूल फूह हो वमा नहा मानू फन तो अब हजूर सल्लम हमें वो अख्लाक सिखाने वाले हैं और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि देखो रसूल जो तुम्हें दे दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ बहर अपने मज़मून की तरफ आते हैं नकफ़िन यसतफ्तु नफ्ती कुम्फी हन्न लोग आपसे औरतों के मामले में फितवा चाहते हैं पूछते हैं तो आप उनसे कहिए कि अल्लाह तुम्हें फितवा देता है इसके बारे में अब जाहिर है कि रसूल की हस्ती तो एक पैगाम्बर की है रसूल का यानी अल्लाह की तरफ से अख्लाक यानी जो अल्लाह ताला के मंजूर शुदा अखलाक हैं वही बताता है और वही करता है रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं पेश करता रसूल अल्लाह ताला की तरफ से एक नुमाइंदा है और वो अल्लाह ही की बातें आपको पहुंचाता है तो फिर अब देखें यु न कफिनसाए एक थोड़ा सा जजवी तौर पर नुकता है उसको नोट करें पूछते तो हैं रसूल से औरतों के बारे में कुल अल्लाह युफ्ती कुम्फ़ी आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें फितवा देता है यानी नहीं हुक्म तो अल्लाह हाँ का है इन इल इल्ला लिल्ला। बस ये एक मुख्तसर नुकता है इसको जरा नोट कर लें अच्छा तो अब सवाल क्या है इसका सवाल की तफसील नहीं है यहाँ पे सवाल की ये एक दूसरा नुक़ँ नोट कर लें कि सवाल की तफसील नहीं है औरतों के बारे में क्या पूछना चाहते हैं लोग ये तफसी नहीं है लेकिन इसके जो दूसरी आयत है आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस वो दरअसल जवाब है इस सवाल का जो एक सौ सत्ताईस नंबर में सवाल किया जा रहा है औरतों के बारे में एक सौ अट्ठाईस नंबर आयत में उसका जवाब दिया जा रहा है वह ए नम्रतखाफत में बलह नशूज़न और एराजन। तो उसका जवाब दिया जा रहा है तो बहरहाल अच्छा फिर इसमें ये एक हसन कलाम है अल्लाह ताला का कि असल के बात करने से पहले एक और बात कह दी जाए मिसाल के तौर पे पर अलैहिस्सलाम जेल में थे और उनके दो जेल के साथी थे दोनों ने ख्वाब देखा और अलैहिस्सलाम का तो यानी अंदाज़ और उनकी गुफ्तगु वग़ैरह वो आलिमाना गुफ्तु थी हकीमाना गुफ्तु थी और बड़े ऊँचे अखलाक के थे वो तो इन दो कैदियों ने जो ख्वाब देखा हज़रत यूसफ्लम को मुनासिब समझा कि उससे उसकी ताबीर ले लें तो उन्होंने वो ख्वाब बयान किया तो यूसुफ़ल ने फ़ौर उसका जवाब नहीं दिया लेकिन एक हकीमाना नुक़ा अपनी तबलीग का हकमत से अपनी दावत भी पेश कर दी कि इस सवाल का जो तुमने यानी जो ख्वाब तुमने पूछे हैं इसकी मैं तुम्हें ताबीर तो बता दूँगा इससे पहले कि तुम दोपहर का खाना आए मतलब सुबह के वक्त उन्होंने पूछा या दो घंटे पहले या तीन घंटे पहले जो भी था वक्त तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जवाब दे दूँगा इससे पहले यानी खाना आने से पहले दोपहर का खाना आने से पहले मैं तुम्हें जवाब दे दूँगा लेकिन मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि ये इलम हमने कहाँ से सीखा ये इल्म तो हमारे आबाओ अजदाद का है जो हमने अपने आबाजाज से मिला और वो तो उनकी तो तालीम का खुलासा यह है कि एक मबूद है और और मबूद नहीं है तो बहर उन्होंने हकीमाना गुफ्तू तकरीबा उसी तरीक़े से ये अल्लाह ताला का भी तरीक़ा है कि एक बात का जवाब देने से पहले कुछ और बातें इंसान को याद दिला रहा है और वो बातें इससे पहले हो चुकी हैं सूरत के आगाज़ में ये बात हो चुकी है मातलाफिल किताब ये बातें मैं तुम्हें अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं बता चुका हूँ कि यतामन निसा जो यतीम लड़कियों के बारे में है वो आपने सुना था उसकी हमने तफसील पढ़ी थी लेकिन अल्लाह ताला यहाँ दोबारा याद दिला रहे युफ्तीकुम खुल्लुन्ना आप उनसे कह दीजिए कि ठीक है अल्लाह ताला तुम्हें आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें बताता है लेकिन यह भी बता रहा है कि तुम उन उनहकाम का भी ख्याल रखो जो इससे पहले तुम किताब में पढ़ चुके हो या तुम्हें सुनाए जा चुके हैं कि क्या इसमें अब क्या है कि अंतकोम बिल किस्त यानी इस तमाम उसका कि यतीमों के बारे में तुम जो है इंसाफ से कायम रहो अंतकोम लिलयताा बिलकश यानी इंसाफ से काम लो अब इसमें तस्करा हो रहा है फ़ीय ताम सान्नामा तू कुते बलहन्ना यतीम लड़की है बालग है यतीम है भाई आपका चला गया है मिसाल के तौर पर और वो लड़की जो है वो ख़ूबसूरत है और उसके साथ यानी जो विरासत में उसका हक़ है वो भी है अपने बाप की जायदाद भी है ज़ाहिर है बेटे बेटे बेटियां अपने वालिद की जायदाद में हक़दार होती हैं तो वो जो है अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि देखो तुम्हारी नीयत न खराब हो जाए और निकाह, यानी तुम निकाह भी करते हो और उनको उनका हक महर भी नहीं देते देने के लिए तैयार नहीं हो निकाह की भी ख्वाहिश रखते हो फिर उनका जो हक है वो भी नहीं देने के लिए तैयार ला तो तू ना हन्ना माँ कुतबा लान्ना जो यानी इसमें कुतबा जो है वो दोनों आ, महर भी वो होता है महर के लिए भी है ये महर भी लाजमी है और जो लड़की का अपना हक बाप के माल में है जो यतीम लड़की है वो बाप के माल में जो हक़ रखती है वो भी तुम्हारे कब्जे में है वो भी तुम्हारे तस तसरफ में है तो तुम निकाह करके तुम चाहते हो कि ये किसी और के निकाह में न जाए और अगर जाएगी तो फिर वो उसका हक विरासत भी उसको देना पड़ेगा तो तुम उसको घर में ही रोक लेते हो और निकाह तुम करते तो हो लेकिन उनको उनका हक़ नहीं देते हक महर जो मुरवजा है और उनका विरासत वो भी उस पर तुमने कब्जा जमाया तो ऐसा ना करो और ये हमने इसकी तफसील पढ़ चुके हैं कि व इनखिफ़ तुम अल्लाह फिल यतामा फ़न की हो माँ ताबल कम मिन नसाय मसना वसुल्ला सवरबा अगर तुम ये ख़तरा है कि तुम इंसाफ ना कर सको यतीम लड़कियों के बारे में और तो तुम इनसे निकाह ना करो किसी और औरत से निकाह कर लो लेकिन उस लड़की का हक़ ना मारो तो बहरहाल ये अल्लाह ताला हमें याद दिला रहे माँ खुद बतबू नन की होना इसका दूसरा माना ये भी है कि अगर वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है या तुम्हारी निकाह की ख्वाहिश नहीं है लेकिन फिर भी तुम उसको रोक लेते हो उसका हक उसका हक विरासत नहीं देते उसे और उसके माल पर तुमने कब्ज़ा जमा लिया है लड़की को तुमने आ, घर में बिठा लिया है उसका रिश्ता भी नहीं दे रहे किसी को उसको छोड़ भी नहीं रहे कि वो अपना निकाह कहीं कर ले तो ये ना करो ये जुल्म है, ये करो। और वलमस्तदाफ़ी मिल्दान या उन आ, वो अहकाम भी याद रखो जो यतीम बच्चों के बारे में कमज़ोर बच्चों के बारे में मैंने तुम्हें दिए हैं वज़ा हतर अलकस्मत उबा वो आयत आई थी ना अभी हमने पढ़ी थी कि वैज़ा हज़र उल़ुरबा वाल तमामाउलमसा फ़र्ज़ को हम मिन हो वक़ूलह क़ौल मरूफ हो या तो बच्चे कमज़ोर हैं तुम जोरावर हो फ़िलहाल अल्लाह ताला ने यानी तुम्हें ज़रा ताक़तवर बना दिया है और वो बच्चे कमज़ोर हैं तो उनका तुम उनका हक़ नहीं देने के लिए तैयार तो ये भी मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ अल्लाह ताला, ताला फरमा रहे कि उनका हक़ जो है उनको लौटा दो यतीमों को अगर वो मीरास में मालिक नहीं भी हैं तो तुम उनको कुछ न कुछ दिया करो और रिश्तेदारों को भी और मसाकीन को भी ये व अन व अन तकूम विलियता और अल्लाह ताला, ताला तुम्हें हिदायत करता है कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ़ करो इंसाफ़ पर क़ायम रहो अब ये एक बहुत बड़ा मामला है सामने के नाम आम तौर पे तो आप देखें ये तो अल्लाह ताला हमें हिदायत फ़रमा रहा है लेकिन बात ये है कि इंसान को तो बहज़रतिलफस शहा इंसान को लालच जो है वो पिलाई गई है और इंसान लालची है तो तुम ऐसा करो कि तुम नफ़्स के बहुल से काम न लो बल्कि हर हकदार को ख़ास तौर पे यतीमों को यतीम लड़कियों को यतीम लड़कों को उनका हक़ पूरे पूरे का पूरा दे दो और फिर अल्लाह ताला फ़रमा रहे वमा तफ़ आलुमिन अल्लाह का नबी अलीमा और जो भी तुमने की करोगे तो अल्लाह ताला उसको जानता है वमा तफ़ आलुमिन ख़ैरिनफ़ा इन का नबी अलीमा उसके बारे में अल्लाह ताला जानता है यानी तुम्हें अल्लाह ताला के यानी अल्लाह ताला के वजूद का एहसास करना चाहिए कि मेरे सर पे अल्लाह भी है मैं ना इंसाफ़ी कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला तो देख रहा है तो ना इंसाफ़ी ना करूँ फ़ैन अल्लाह का ना भी आलिमा अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे तमाम कामों को कि तुम्हारी नीयत क्या है तुम्हारी नीयत में खोट तो नहीं आ गया है माल की मोहब्बत की वजह से तुम यतीमों काक तो नहीं दबा रहे अल्लाह ताली जानता है और अगर दबा रहे हो तो फिर आगे भी यानी न, 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 यानी यानि अनजीन या अकुलम वालयाम जुलमनयुलफ़ी बतून हिम नारा यह आयत भी आ चुकी है कि जो लोग यतीमों का माल जुल्म से तदी से खाते हैं वो दरअसल अपने पेटों में आग डाल लें और जल्दी वो आग में पहुँचेंगे दोबारा तो अल्लाह ताली के वजूद का एहसास और अल्लाह ताली की जो अहकामात हैं उसका पास रखते हुए इंसान ज़िंदगी गुजारे और अख्लाक कुरानी अखलाक को कबूल कर ले यानी कुरानी अहकाम को कबूल कर ले और अल्लाह ताला की नसीहत को कबूल कर ले तो ये उसके अपने हक़ में बेहतर होगा दुनिया की ज़िंदगी भी उसकी अच्छी गुजरेगी और आखिरत की तो अच्छी होगी होगी बहरअल मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आऊजबिल्लैतरम बसमल وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكهوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما جي तर्जुमा सुना दें वयस्तफ़त न कफ़िन ये आपसे पूछते हैं औरतों के बारे में खुल्लाफ़्तीफ़ी हिन्ना आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला उनके मामले में तुम्हें बताता है वमायुतला आल कुम्फ़िल किताब फ़ी य तमन नसा और वो अहकाम भी तुम्हें याद दिलाता है जो इससे पहले तुम्हें इस किताब में सुनाए जा रहे हैं यतीम औरतों के बारे में अल्ला तो नन्ना माकुत बल्ना जिनके हक़ तुम अदा करने के लिए तैयार नहीं हो व तरगबू न तन की हुन्ना जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच की बिना तुम ख़ुद इनसे निकाह कर लेना चाहते हो वलमुस्तदाफ़ी बिल्दान और अल्लाह ताला तुम्हें ये भी हुक्म देता है जो अहकाम उन बच्चों के मुतालिक अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए हैं जो बेचारे आ, कोई ज़ोर नहीं रखते कमज़ोर हैं वह अन तुमिल बिलकृस्ते और अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ़ पर क़ायम रहो व मातफ़ आलूमिन अल्लाह काना बिही अलीमा और जो भलाई भी तुम करोगे तो अल्लाह ताला उसको जानता है اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے مهربان نهاية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا أي تمسي يتيم कह दो कि खुदा तुमको उनके साथ निकाह करने के मामले में इजाजत देता है और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में और यह भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो और जो भलाई तुम करोगे उसको जानता है कराम इसके साथ आज के दर्श का वक्त अख्ताम को पहुंचा अगले दर्स में इनशा मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिल